Hi kids, welcome back to the channel. I hope you all are fine, you all are enjoying and you are having a great time learning with us. So today we are going to start with EVS of grade 2 from Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. So today we are going to start with chapter number 11, Festivals we celebrate. So, अब आप मुझे बताएं कि हम पूरे around the year कौन कौन से festival celebrate करते हैं? Yes, write in the comment section super fast. Come, let's discuss कि हम पूरे साल में कौन कौन से festivals celebrate करते हैं. So We live in India. हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया इज आर होम. इंडिया हमारा घर है. इट इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया को क्या भी कहा जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, बिकॉज यहाँ पर हर महीने में दो दो तीन तीन फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ कुछ फेस्टिवल्स तो ऐसे होते हैं जो पूरा इंडिया मनाता है बट विथ डिफरेंट नेम्स, राइट? तो इसीलिए इंडिया को क्या भी कहा जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. वेरी गुड. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस. हमारे यहाँ एक शादी को भी बिल्कुल फेस्टिवल के तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है. इतना ग्रैंड फंक्शन करा जाता है, राइट? तो इंडिया में जो छोटे फंक्शंस होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं वो काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं. फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट. फेस्टिवल्स कैसा टाइम होता है? फन का और एंजॉयमेंट का, खुशी और मस्ती का, राइट? दे ब्रिंग अस जॉय एंड हैप्पीनेस. वो हमारे लिए क्या ब्रिंग करते हैं? बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा उल्लास लेकर आते हैं अपने साथ. क्या? फेस्टिवल्स. यस. अब कुछ फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि पता है नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरा इंडिया एक साथ मनाता है. लेट्स चेक कि ये कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं. देयर आर सम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, जो हर कोई सेलिब्रेट करता है. द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. ठीक है, ये इस इन थ्री डेज पे पूरा इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है. हर एक ऑफिस, हर एक स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूशन की छुट्टी होती. ओके, द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी. ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड इन दिल्ली. द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिसमैन एंड वुमेन, डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन दिस परेड. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी. 26 जनवरी यानी कि साल के फर्स्ट मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है. ठीक है, और जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं? राइट इन द कमेंट सेक्शन सुपर फास्ट. यस, इस दिन क्या होता है? इस दिन परेड निकाली जाती है, राइट? और नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, इनके पुलिसमैन, आर्मी पर्सन, ठीक है, और आर्मी वुमेन, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं. डांसेस होते हैं, स्कूल के चिल्ड्रन परफॉर्म करते हैं. तो ये सब चीजें होती हैं कहाँ? दिल्ली में. यस. तो अभी आपको बताना है हु इज आर
प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। द्रौपदी मुर्मू, वेरी गुड। द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारी प्रेसिडेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल इज द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब जिस दिन हमको आजादी मिली थी, किससे? ब्रिटिशर्स से। ऐसे दिन को हम सेलिब्रेट करने के लिए क्या डे, कौन सा डे होता है ऐसा? इंडिपेंडेंस डे। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August। 15th August को मनाया जाता है। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग इन दिल्ली। स्कूल्स आर ऑल्सो हैव अ फंक्शन ऑन दिस डे एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग। क्या कहता है वो? ये कहता है कि 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ध्वज लहराते हैं, यानी कि फ्लैग होस्ट करते हैं, इंडियन फ्लैग होस्ट करते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। वेरी गुड, है ना। स्कूल्स की भी इस दिन, स्कूल्स में भी सारे ऑफिशियल जगह पे जैसे बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस में सब जगह उस दिन झंडे लहराए जाते हैं, ठीक है, और नेशनल फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। ये दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट, आर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा और ट्राइकलर बिकॉज इट हैज थ्री कलर्स। फर्स्ट सैफ्रन, सेकेंड वाइट एंड थर्ड इज ग्रीन। Everyone sings the national anthem. It was written by Rabindranath Tagore. He was a great writer and poet. Okay. अब ये क्या कह रहा है कि हमारा जो flag है उसको हम क्या भी बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तिरंगा, tricolor, ठीक है, क्या बोलते हैं? तिरंगा, है ना। और ये इसके थ्री कलर, इसमें थ्री कलर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इज सैफ्रन, ऑरेंजिश सा कलर होता है ये, ठीक है, देन वाइट एंड देन ग्रीन कलर, राइट। एंड एक वाइट कलर के अंदर एक छोटा सा चक्र भी होता है, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड सा चक्र भी होता है, ठीक है। और हम सभी को नेशनल एंथम को सिंग करना चाहिए, गाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली गाना चाहिए, स्टैंड स्ट्रेट होकर गाना चाहिए एंड बहुत क्लियर वॉइसेस में गाना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट मीन्स कि हम अपने नेशनल सॉन्ग को क्या कर रहे हैं, नेशनल एंथम को क्या दे रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके बिल्कुल क्लियर वॉइस में हम लोगों को सिंग करना चाहिए, ठीक है। और हमारा नेशनल जो एंथम है वो किन्होंने राइट किया है? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने राइट किया है। वो बहुत बड़े और बहुत अच्छे पोएट हैं और राइटर हैं। नेम आर नेशनल एंथम, आपने हमारे नेशनल एंथम का नाम क्या है तो बता सकते हैं मुझे? हमारे नेशनल एंथम का नाम है जन गण मन। वेरी गुड, क्या है? जन गण मन। चलिए लेट्स गो अहेड। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd October। इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। अब क्या कह रहा है कि हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, है ना। और उस दिन क्या होता है? उस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है,
ठीक है। और महात्मा गांधी जी को हम क्या भी बोलते हैं, फादर ऑफ आर नेशन, क्या भी बोलते हैं, फादर ऑफ आर नेशन, वेरी गुड। नाउ रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे नेशनल फेस्टिवल्स की, ऐसे फेस्टिवल्स जो पूरा इंडिया एक साथ मनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजन, रीजनल या हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट और रीजनल फेस्टिवल क्या होता है, रीजनल मतलब होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में मनाए जाते हैं, जैसे लोहड़ी पर्टिकुलर सिर्फ एक स्टेट की पंजाब की फेस्टिवल है, ठीक है। और भी पोंगल जैसे वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बट लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जब फार्मर्स कोई भी पर्टिकुलर टाइप की खेती करते हैं या फसल काटते हैं, और उस टाइम पे वो हैप्पीनेस शो करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रो हुई है, ठीक है। ऐसे फेस्टिवल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। चलिए, सो फर्स्ट फेस्टिवल वी विल डिस्कस टुडे इज दशहरा। दशहरा सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। क्या कह रहा है, दशहरा हम क्यों मनाते हैं? दशहरा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन अच्छाई की जीत हुई थी बुराई से, ठीक है। बुराई हारी थी और अच्छाई जीती थी, इसीलिए हम दशहरा को मनाते हैं। अ बिग फेयर इज हेल्ड ऑन दिस डे इन ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड। अब वो क्या कह रहा है कि बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं शहर में बहुत जगह, टू सेलिब्रेट दशहरा। ह्यूज एफिग्स ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ट। वो क्या कहता है कि बड़े बड़े एफिजिस, एफिजिस क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े पुतले, ठीक है। क्या होते हैं, पुतले, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। यस, बर्निंग एफिजेस ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ ऑन दशहरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल जो मोस्टली हर स्टेट में मनाई जाती है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट की ही जाती है। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। कौन सी फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इट सेलिब्रेट्स लॉर्ड रामास रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। क्या कह रहा है कि ये फेस्टिवल हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये इस दिन राम जी अपने घर अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, राइट। हाउसेस आर क्लीन्ड, व्हाइट वॉश्ड एंड डेकोरेटेड ऑन दिवाली। यस, अब दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ क्लीनिंग आल्सो, बिकॉज दिवाली पे हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको व्हाइट वॉश करते हैं और क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। वेरी गुड। चिल्ड्रन आर बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड लाइटनिंग दियास ऑन दिवाली। वो क्या कह रहे हैं कि इस फिगर में बच्चे क्या कर रहे हैं, दिवाली के लिए दिए जला रहे हैं, राइट। वेरी गुड। अच्छा, मुझे तो दिवाली बहुत पसंद है, और किस किस को दिवाली पसंद है, कितना मजा भी आता है ना दिवाली पे। हम न्यू क्लोथ्स वेयर करते हैं, हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, है ना, और बहुत ही सारा पूरा हमारा घर और हमारे नेबर्स सबका घर इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव लाइट्स से लिट होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे, आपको कैसा लगता है आप भी बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। इन द इवनिंग लक्ष्मी
गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड. वो क्या बोल रहा है कि दिवाली वाले दिन शाम को हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की. क्यों? क्योंकि वो धन की देवी है. यस, वी गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को क्या भी देते हैं? स्वीट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और उनके साथ बहुत खूब सारी मस्ती भी मारते हैं. एट नाइट वी लाइट कैंडल्स एंड दियास. रात को हम क्या करते हैं? रात को हम कैंडल्स जलाते हैं, दियास जलाते हैं अपने घर के बाहर. वो कितना ब्यूटीफुल होता है, हमारा घर एकदम लाइट, इतनी छोटी छोटी लाइट से एकदम लिट हो जाता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है. मैनी पीपल बर्स्ट क्रैकर्स, बहुत सारे लोग क्रैकर्स भी बर्स्ट करते हैं, बट हमें क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने चाहिए बिकॉज वो हमारे पॉल्यूशन को, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं. बट बस्टिंग क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, सो द नेक्स्ट टाइम से नो टू क्रैकर्स. अभी मैंने समझाया कि हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए. क्यों? बिकॉज वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं. नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली. अच्छा, किस किस को होली पसंद है? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली किस चीज का फेस्टिवल है? कलर्स का. वी प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वाटर. हम होली कैसे खेलते हैं? कलर्ड वाटर से खेलते हैं. और किससे खेलते हैं? गुलाल से खेलते हैं. वी सिंग एंड डांस और हम बहुत मस्ती मारते हैं, हम बहुत सारे गाने गाते हैं और हम बहुत सारा डांस भी करते हैं, राइट? इट इज द टाइम ऑफ वीट हार्वेस्टिंग. इस समय पे क्या होता है? वीट को हार्वेस्ट किया जाता है. सो होली इज ऑल्सो कॉल्ड आ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. होली को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब हार्वेस्ट हम थोड़ी को काटते हैं, ठीक है, तब हम वीट को कट भी करते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द फेस्टिवल ऑफ होली. ये वाले चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली को एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, नाउ क्रिसमस. क्रिसमस क्या होता है? ओह, सेंटा क्लॉस इज कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन हिज स्लेह. हे, यस, वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस एज क्रिसमस. यस, लॉर्ड जीसस का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसमें? क्रिसमस पे. वेरी गुड. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ डिसेंबर एवरी ईयर. 25th डिसेंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? वेरी गुड, क्रिसमस मनाते हैं. वी वेयर न्यू क्लोथ्स, उस दिन हम नए क्लोथ्स पहनते हैं. वी ग्रीट एंड विश ईच अदर मैरी क्रिसमस. हम सबको कैसे विश करते हैं? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस. यस, स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस फेस्टिवल. वी डेकोरेट क्रिसमस ट्री. अब क्या होता है, स्पेशल प्रेयर्स की जाती है चर्च में जाके. स्पेशल भगवान जी को थैंक्स बोला जाता है, उसे अलग से प्रे किया जाता है. ठीक है, और क्या होता है, हम आपस में स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं और न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं. सेंटा क्लॉस ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर अस. सेंटा क्लॉस हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं. वी सिंग क्रिसमस कोरल्स टुगेदर. हम क्रिसमस कोरल्स गाते हैं, जैसे कि जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. ये हम गाना सब एक साथ गाएंगे, राइट? ऐसे हम कुछ 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 गाने गाते हैं. वी एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ. चलिए, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ईद. यस, ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान. तो क्या बोल रहा है, ईद कब सेलिब्रेट की जाती है? जब पूरा 1 month का फास्टिंग करके, पूरे 1 month के व्रत रख कर, ठीक है, मॉमडन्स लोग
रोजे रखकर उसके बाद जब अपने उन रोजों को खोलते हैं तो उसको कहते हैं क्या? रमज़ान, ईद, उस दिन मनाई जाती है ईद। और वो जो मंथ जिसमें वो पूरा मंथ फास्टिंग करते हैं उस मंथ को बोलते हैं हम रमजान। इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग, ये एक फास्टिंग का मंथ होता है। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, दे गो टू द मॉस्क फॉर प्रेयर टू प्रे, है ना, वो मस्जिद जाते हैं, मॉस्क जाते हैं क्या करने, प्रे करने के लिए, ठीक है। दे ग्रीट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक, हाँ वो कैसे एक दूसरे को विश करते हैं, ईद मुबारक करके विश करते हैं। द सेवई इज अ नाइस डिश प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, बहुत ही यमी और डिलीशियस एक डिश बनाई जाती है, उसका नाम होता है सेवई। बहुत सारे नट्स डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और बहुत टेस्टी डिश होती है वो। पीपल गिव मनी एंड क्लोथ्स टू द पुअर, और क्या होता है इस दिन लोग पुअर लोगों को क्या देते हैं, क्या ऑफर करते हैं, मनी एंड क्लोथ्स। वेरी गुड। और ऐसे ये दो लोग क्या कर रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय हगिंग ईच अदर। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरपूरब। गुरपूरब इज द बर्थडे ऑफ गुरु देव जी, ठीक है। क्या सिख, जो सिख लोग होते हैं उनके गुरु होते हैं गुरु नानक देव जी, उस दिन उनका बर्थडे है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूज प्रोसेसिंग्स आर टेकन आउट ऑन दिस डे, बहुत बड़ी बड़ी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं इस दिन पे। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे, लोग उस दिन गुरुद्वारे में जाके प्रे करते हैं भगवान जी से। दे ऑल ईट अ होली पुडिंग कॉल्ड प्रसाद, ठीक है। अब क्या होता है कि उस दिन सब एक साथ बैठ के और उस पे जमीन पे बैठ के सब एक साथ बहुत डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं, और सब एक साथ खाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, पर लेकिन वो साथ में बैठे होते हैं तो आप खाते हैं खाना, और वो उस खाने को हम बोलते हैं प्रसाद, यस। और उस तरीके से खाने को बोल उस तरीके से नीचे बैठ के लाइन लगा के खाने को बोलते हैं लंगर, यस। पीपल इन गुरुद्वारा ऑन गुरुपुरब, ऐसे ये लोग चैंटिंग करते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं लॉर्ड किसको, गुरु नानक देव जी को, यस। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओनम ओनम कम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट एंड लाइट देयर हाउसेस एट नाइट, वो अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं। पीपल विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाते हैं। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स। बोट रेसिंग इज द मेन अट्रैक्शन ऑन दिस फेस्टिवल। क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बोट रेसिंग जो है वो बेस्ट थिंग होती है जो ओनम के फेस्टिवल पे की जाती है, ठीक है। और पीपल लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं, ठीक है, नाइट में, और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और खूब मस्ती करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग राइस, राइस की कटिंग के थ्रू
सेलिब्रेट किया जाता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल. अभी तक हमने दो हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़े, कौन कौन से? होली एंड सेकेंड इज पोंगल. पीपल थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट. और ये वाला फेस्टिवल हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस फेस्टिवल में हम भगवान जी को थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू आपने हमारी मदद करी इतना अच्छा फूड को नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. फेस्टिवल मेक्स अस हैप्पी. ड्रॉ सम हैप्पी फेसेस. दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Now let's come to our next part. Match words with pictures correctly by drawing lines. अच्छा ये कौन सा फेस्टिवल है? मुझे तो ये क्रिसमस लग रहा है. Yes. And this is Dashera. This is Onam. This is Holi. And this is Eid. Yes. I hope you still remember this and joined it correctly. Yes, now let's do match the following. One side, some festivals are written and some other side, some highlights of that. Diwali, Prasad, Santa Claus, Grand Parade, Sevai, lights. Oh, Diwali is the festival of ignorance. Diwali is the festival of light. Yes. Now Holi. Holi is the festival of colors. Christmas. Christmas is celebrated because it's the birthday of Lord Jesus and Santa Claus comes who gives us beautiful gifts. Yes. Guru Purab pe kya hota hai? Guru Purab pe hum sab ikatthe baith ke prasad khate hain, langar prasad khate hain. ईद वाले दिन क्या होता है? यम्मी यम्मी सेवई खाते हैं. यस. और रिपब्लिक डे पे अ ग्रैंड परेड हैपेंस. यस, ग्रैंड परेड होती है ना. सो आई होप यू ऑल हैव मैच्ड इट करेक्टली एंड यू ऑल अंडरस्टूड इट. नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स डू फिलअप्स. ओके, नाउ द फर्स्ट फिलअप इज 26th January is celebrated as the 26th January kya celebrate karte hain? Republic Day. Yes, very good. Now the Independence Day is celebrated. Independence Day kab celebrate karte hain? Write in the comment section super fast. Yes, 15th August ko celebrate karte hain. Holi is called the festival of Holi ko kaisa festival bhi bolte hain? Festival of colors. Yes, we celebrate Dash on 25th of December. 25th of December ko hum kya celebrate karte hain? Christmas. Yes, very good. Snake boat races are organized on Onam. Abhi humne padha tha recently ki Onam mein sabse bada attraction kya hota hai? Kya hota hai? Racing, boat racing. Answer the following question. Let's discuss some question answers. Right? Chaliye. Let's go ahead. How is the Republic Day celebrated? Republic Day is kaise celebrate kara jata hai? Republic Day first of all 26th January ko celebrate kara jata hai. Is then grand parade kara jata hai. Kahan par? Delhi mein. Very good. And is din kya bhi hota hai? होस्ट करा जाता है क्या हमारा फ्लैग. वेरी गुड. हाउ डू वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? हाउ, अब बताइए आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को अपने स्कूल में? यस, परफॉर्मेंसेस होती हैं इस दिन स्कूल में. यस, होस्ट होता है क्या? फ्लैग होस्ट किया जाता है. वेरी गुड. हूज बर्थडे डू वी सेलिब्रेट ऑन 2nd अक्टूबर? किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम 2nd अक्टूबर को? महात्मा गांधी जी का. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आर नेशन. यस. हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बाय
cleaning and decorating our house and exchanging gifts with our friends. Very good. Why do we celebrate Durga? Yes, thank you, and we thank you for them with Durga Stuti. It's the birthday of Guru Nanak Dev Ji. Yes, why is Pongal celebrated? Pongal kyun celebrate karte hain? Because Pongal is a harvest festival of rice. और जब राइस की अच्छी खेती होती है तो भगवान जी को थैंक यू करने के लिए हम पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं. राइट टू लाइंस ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल. कोई भी अपने फेवरेट फेस्टिवल पे टू लाइंस लिखो. मेरा फेवरेट फेस्टिवल है होली. इस दिन हम खूब मस्ती करते हैं. वी डांस एंड सिंग अ लॉट एंड वी प्ले विद कलर्स एंड आई लव कलर्स. यस, सो I hope this chapter is clear to you and you enjoyed studying your favorite festival. Hope to see you in next video. Till then, take care. Bye-bye.